डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास इंग्लिश सॉल्यूशन। आज हम पढ़ रहे हैं लेटर राइटिंग्स। आज की जो वीडियो है क्लास ट्वेल्थ और टेंथ दोनों के लिए उपयोगी है। देखिए, लेटर राइटिंग में क्लास ट्वेल्थ में किस टाइप के लेटर्स आएंगे। क्लास ट्वेल्थ में जॉब अप्लीकेशन दे रखी है, लेटर्स टू द एडिटर्स, बिजनेस लेटर्स एंड ऑफिशियल लेटर्स, चार टाइप के लेटर्स दे रखे हैं। क्लास टेंथ में देखिए, फॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स और ईमेल राइटिंग। आज हम जो क्लास टेंथ और ट्वेल्थ में जो कॉमन लेटर है उसको पढ़ेंगे। ये जो फॉर्मल लेटर है इसको हम ऑफिशियल लेटर भी कह सकते हैं। फॉर्मल लेटर इज इक्वल टू ऑफिशियल लेटर्स। देखिए, वैसे लेटर्स में जो बड़ी टाइप होती है वो होती है फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स, जिसको मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया। नीचे देखिए, इनफॉर्मल लेटर्स विच आर रिटर्न टू द फैमिली मेंबर्स, इनफॉर्मल लेटर्स विच आर रिटर्न टू द फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। फॉर्मल लेटर्स देखिए, विच आर रिटर्न टू गवर्नमेंट ऑफिसेज, फॉर्मल लेटर कौन से होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिसेज को लिखे जाते हैं, एंड अथॉरिटीज फॉर ऑफिशियल पर्पज। वी इंक्लूड दीज लेटर्स इन फॉर्मल लेटर्स। देखिए, फॉर्मल लेटर में कौन कौन से लेटर आते हैं। लेटर्स ऑफ कंप्लेंट्स, रिक्वेस्ट, इंक्वायरीज से संबंधित जो लेटर होते हैं वो फॉर्मल लेटर में आते हैं। लेटर्स टू द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल, स्कूल के प्रिंसिपल को जो लेटर लिखते हैं वो फॉर्मल लेटर में आता है। अप्लीकेशंस होती है वो भी फॉर्मल लेटर में आएगी, एंड लेटर्स टू द एडिटर्स ये भी फॉर्मल लेटर में आएगा। अब देखिए, हम जो फॉर्मल लेटर्स हैं उसका फॉर्मेट पढ़ते हैं। फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर्स। आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी टच करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आइए देखते हैं फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट में। सबसे पहले आपको लिखना है सेंडर्स एड्रेस, जो अपन ने लिया है तिलक नगर बीकानेर। फिर आपको डेट लगानी है, डेट में मैंने आज की डेट लगाई है 25 अप्रैल 2021। इसका फॉर्मेट आप ये भी लिख सकते हो अप्रैल 25 2021। फिर है रिसीवर्स डेजिग्नेशन, इसमें मैंने लिया है द कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बीकानेर, एड्रेस बीकानेर। फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट जो क्वेश्चन में दिया होगा वो अपन सब्जेक्ट यहाँ लिख देंगे। इसके बाद आपको लिखना है सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में आपको सर या मैडम जो क्वेश्चन में दे रखा हो वो लिखना है। फिर आएगा कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में मैं आपको एक परमानेंट लाइन लिखवा दी, या आप किसी भी लेटर में फॉर्मल लेटर में लिख सकते हो। थ्रू दिस लेटर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन। फिर बाद में लेटर का कम्युनिकेशन है वो आ जाएगा यहाँ। और फिर पैराग्राफ चेंज करने के बाद आपको लिखना है एंडिंग्स, एंडिंग्स में आपको ये लाइन लिखवा दी है, आप ये लिख सकते हो आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर एंड डू नीडफुल। इसके बाद आप थैंकिंग यू लिख सकते हैं, और फिर सब्सक्रिप्शन में योर्स फेथफुली या ट्रूली लिख सकते हैं। यदि आप प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हैं तो वहाँ आपको ओबीडेंटली लिखना है। फिर आपको सिग्नेचर या नेम जो क्वेश्चन में दे रखा है वो अपन लिख सकते हैं। यदि नेम नहीं दे रखा है तो अपने हिसाब से आप नाम लिख सकते हैं। फॉर्मेट लेटर का एग्जाम्पल, इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लेटर अच्छे से समझ सको। देखिए क्वेश्चन, यू आर सुनील लिविंग एट तिलक नगर बीकानेर, आप सुनील हो और तिलक नगर बीकानेर में रहते हो। राइट ए लेटर टू द कलेक्टर, कलेक्टर को पत्र लिखो ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, अपने जिले के कलेक्टर को आप पत्र लिखिए। कंप्लेनिंग, शिकायत करते हुए अबाउट द फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी फेल्योर, कि लगातार बिजली बाधित हो रही है ड्यूरिंग एग्जाम टाइम।
एग्जाम समय में लगातार बिजली बाधित हो रही है, इसके लिए आप कलेक्टर को कंप्लेनिंग लेटर लिखिए। देखिए इसका फॉर्मेट देखिए, सबसे पहले अपन ने लिखा सेंडर्स एड्रेस तिलक नगर जयपुर, तिलक नगर बीकानेर। उसके बाद अपन ने लगाई डेट अप्रैल 25, 2021। फिर इसके बाद अपन ने लिखा है 3 नंबर पे रिसीवर्स डेजिग्नेशन, द कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बीकानेर, फिर एड्रेस बीकानेर। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अपन ने क्वेश्चन में से है वैसे के वैसे उठा लिया, फ्रिक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी फेल्योर ड्यूरिंग एग्जाम टाइम, फ्रिक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी फेल्योर ड्यूरिंग एग्जाम टाइम। इसके बाद सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में अपन ने लिखा सर, फिर कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। कम्युनिकेशन देखिए, थ्रू दिस लेटर आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टुवार्ड्स, टुवार्ड्स यानी की तरफ, द प्रॉब्लम ऑफ फ्रिक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी फेल्योर, द बोर्ड एग्जाम्स आर गोइंग ऑन, वी आर फेसिंग ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, हम बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, वी आर नॉट एबल टू स्टडी ड्यू टू दिस प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम के कारण हम पढ़ नहीं पाते हैं, वी हैव कंप्लेंड टू द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, इसकी हमने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को कंप्लेंट की है, कर चुके हैं, बट ऑल इन वेन, लेकिन सब व्यर्थ रहा, कोई मतलब सिद्ध नहीं हुआ, सो आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इन टू द मैटर एंड डू नीडफुल, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली सुनील। ये देखिए पूरा लेटर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग वीडियो।